जी जी जो ये वैक्सीनेशन जो ड्राइव है ये 12 साल से 17 साल के बच्चों को होनी है। इसी सिलसिले में हमारे सारे जोन में जो है वो ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है चल रही है। जो ये बच्ची है तमन्ना फारूक जो है इसकी जब मुझे भी इसकी इंफॉर्मेशन पहुंची, मैं जस्ट स्पॉट पे गया, स्कूल पे मैं गया तो स्पॉट वेरिफिकेशन मैंने की, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा मैंने की। वहाँ पे टीचर्स का ये कहना है कि बच्ची जो है सडनली रश कर गई थी वैक्सीनेशन साइट के ऊपर, जहाँ पे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो था वो वैक्सीनेशन कर रहा था, वहाँ की जानब जो है वो दौड़ के चली गई। तो मेरे ख्याल में अनइंटेंशनली उन्होंने भी इसको वैक्सीन कर डाली है। लेकिन ये 12 साल की नहीं, ये 10 साल की बच्ची है, 10 साल और कुछ एक दो महीने के आसपास ही आती है ये बच्ची। इनिशियल रिपोर्ट जो है वो मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को सबमिट की है। फर्दर इसमें जो है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक कमेटी भी फ्रेम की है, जिसमें गेजेटेड ऑफिसर्स हैं मेरे ख्याल में दोनों, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो काल परसों से स्टार्ट हो जाएगी, काल से ही। तो वो भी अपनी रिपोर्ट दे देंगे। तो मैं उनके जो है बच्ची के घर में भी गया। ये बड़ा है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, सही बात, ये ऐसी बच्ची को जो है इस एज की बच्ची के लिए नहीं था, तो नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे भी हम देखेंगे कि क्या होगा। सर आपको लग रहा है कि इसमें 50-50 राइट? हाँ बिल्कुल, चेक करके ही हमारी भी इंस्ट्रक्शंस थी पूरे टीचर उसको आया व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है हमारे उनके आया जो है हमने इंफॉर्मेशन जो है दी थी कि इस एज की बच्चों को जो है वैक्सीनेशन करनी है, और वैक्सीनेशन जो है वो बच्चे की एडमिशन और उसकी डेट ऑफ बर्थ को देख ही की जानी चाहिए थी। तो इसमें जो है अनफॉर्चुनेट है, हम देखते हैं कि किसका ज़्यादा फॉल्ट होता है। कमेटी भी बनी हुई, इनिशियल रिपोर्ट जो है मैंने भी सबमिट की है चीफ एजुकेशन ऑफिसर को। तो मैं बच्चे के घर में भी किया है फिलहाल, इनिशियली उसको मैंने भी कुछ थोड़ा सा असिस्ट किया है माली तौर भी। तो और भी अगर होगा, हम बड़ी चीज़ ये है कि बच्ची की जो है वो कुछ ज़्यादा उसको डैमेज ना हो, बच्चे की सेहत का इशू है सबसे पहले, हम उसकी चिंता है कि बच्ची का इंसिडेंट और नहीं होना चाहिए, और क्योंकि अब एक डर सा लगा है, खोफ सा लगा है बच्चों में। जी जी जी, वैक्सीनेशन के लिए वैसे कोई डर की बात नहीं है, चूँकि इसी एज ग्रुप के बच्चों के लिए 12 से जो 17 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए, पहले 18 साल के बच्चों के लिए था। वैक्सीनेशन की कोई ऐसी डर नहीं है, वैक्सीनेशन करना है। वैक्सीनेशन जो प्रिवेंटिव हमारा इसी से जो है सिस्टम चल पाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है इसी से कोविड ख़त्म हो जाएगा। ये कोविड के लिए है, लेकिन ये अंडर एज बच्ची थी, थोड़ा छोटी थी, इस वजह से जो है इसमें थोड़ा सा हमें भी इसमें बड़ा दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर कहा ये गया है कि सुबह, इसलिए जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है फ्रेम की है, इसलिए की है, वो ग्रास रूट लेवल पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ग्रास रूट लेवल पे ही जाके पता चलेगा कि असल में किसका फॉल्ट है, टीचर्स की तरफ से है या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है, किसकी तरफ से है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसके बाद ही पता चलेगा। आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, जिस किसी को भी कसूरवार ठहराया जाए, हाँ सजा होनी चाहिए, हम उसको रिकमेंड करेंगे कि उसको होनी चाहिए, सही बात है, हम भी रिकमेंड करेंगे। थैंक यू।